परंपरा से चला रहा है कि पत्थर ही चढ़ाना। जदों कोई व्यक्ति मुसीबत विच घिरिया होवे तां रब नूं याद करदा अते फिर शुरू हुंदी है रब मनाउण दी कोशिश। भगवान गणेश जी मोदक तो खुश हुंदे ने तां भगवान हनुमान लड्डू नूं प्यार करदे ने। भगवान शिव सिर्फ बेल पत्र चढ़ाउण नाल ही खुश हो जांदे ने, जदकि शनिदेव नूं तेल बहुत प्यारा है। इस सब तो अलग झारखंड के हजारी बाग के एक मंदिर विच मनोकामना पूरी करन लई पत्थर भेंट करन दी परंपरा है। बड़ी विशेषता ये है कि माँ पंचबहनी पांचों बहन की यहाँ पर बात है, और आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पर हम लोग का जो जिनको हम लोग पूजा करते हैं वो पत्थर है। एक करामाती पंचवहनी मंदिर हजारीबाग जिले के बड़का गांव के बादम खेत्र विच है। इस मंदिर विच पंच माताओं की पूजा की जाती है, इस करके इत्थे पंज पत्थर भेंट करने की विशेष महत्ता है कि जब तक नहीं पत्थर चढ़ाए तब तक आपका दुख दर्द जो है दूर नहीं होता है। इसलिए अपना दुख दर्द दूर करने के लिए, अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर पत्थर चढ़ाए। इस मंदिर का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। 1685 ईस्वी च बादम रामगढ़ राज की राजधानी सी। इत्थे बादमाही नदी वहिंदी सी जिस नूं हुण हरारो नदी दे नाम नाल जाणिया जांदा है। फिर राजा हेमंत सिंह ने इस नदी दे किनारे किला बनवाया। कालांतर च नदी दे कारण किले ते खतरा मंडराउण लगा तां राजा दलेल सिंह ने नदी दी धारा बदलण लई चट्टानां वढा दित्तियां। अपने राज अते प्रजा दी रक्षा लई राजा हेमंत सिंह पंज देवियां दी पूजा करदे सी। उदों तों ही पत्थर भेंट करन दी परंपरा चलदी आ रही है। जो चीज राजा दलेर सिंह जी ने बादम में बनाया वो उनकी दिलेरी को साबित करता है। पंचवाहिनी मंदिर जो वहाँ बनी हुई है वो पंचवाहिनी नदी के किनारे थी, उसकी धारा को मोड़ करके उन्होंने नदी को भी संरक्षित किया, मंदिर का निर्माण किया और किले का स्वरूप भी बिल्कुल सुरक्षित रहा। हाँ 400 वर्ष अब हो गए, किला थोड़ा जीर्ण शीर्ण होते जा रहा है। इत्थे जिस नदी का रास्ता बदलिया गया सी उसे नदी का पत्थर मंदिर विच चढ़ाया जाता है। यह मनिया जाता है कि इस मंदिर विच जो भी सच्चे मन तो मंगिया जाता है वो इच्छा जरूर पूरी होती है। यहाँ पे पूजा अर्चना करने से सबको मनोकामना पूर्ण होती है और यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं पूजा करने के लिए। यहाँ पे बड़का गाँव समेत आसपास के सारे गाँव के लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं, नहाते हैं और यहाँ नहा करके पूजा करते हैं। नहाने से वैज्ञानिक कारण बताया जाता है कि शरीर का चर्म रोग जितना होता है वो नष्ट हो जाता है। पंचवानी मंदिर इतिहासिक होने के नाल नाल विश्वास का एक विलक्षण केंद्र भी है। इस मंदिर विच अमीर अते गरीब विच कोई वितकरा नहीं, क्योंकि माता पंचवानी नू ना तो कोई भोग की लोड़ है अते ना ही महंगे चढ़ावे की। माँ तो बस पत्थर की भेट नाल ही खुश हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। टू वॉच 24x7 न्यूज़ लाइव, download ETV Bharat app.